दोस्तों आज 26 जुलाई 2024 और DSSB की तरफ से तीन नए नोटिस जारी किए गए हैं। ये तीनों नोटिस बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो होम पेज पे एग्जामिनेशन शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है DSSB की तरफ से। ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB.tally.gov.in। यहाँ पे नोटिफिकेशन का सेक्शन है होम पेज पे ही। ये देखिए 26/7/2024 आज अपलोड हुआ है यहाँ होम पेज पे। तो आप यहाँ व्यू पे क्लिक करके ये एग्जामिनेशन शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी मैं ये कल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ साथ DSSB की तरफ से आज एक रिजल्ट भी जारी किया गया है, रिजल्ट नोटिस नंबर 40 के माध्यम से। पब्लिसिटी असिस्टेंट पोस्ट कोड 34/23 का आज रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। ये एक कैंडिडेट है, इनका यहाँ सिलेक्शन किया गया है और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है 112। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, एक ही कैंडिडेट वेटिंग पैनल लिस्ट में है, कट ऑफ रही है 93.75। अगला नोटिस पोस्ट लाइब्रेरियन से जुड़ा हुआ है, पोस्ट कोड है 110/23। तो इनके मार्क्स जारी कर दिए गए हैं और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। इनका एग्जाम 30/3/2024 को कंडक्ट कराया गया था, 103 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट DSSBonline.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इन कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो कि है 117.50। और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। कैंडिडेट्स 7/26/2024 से 9/8/2024 तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट DSSB की तरफ से निकल के आई जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।